हेयर लाइन पाउडर से जिस तरह से ये लेडी अपने बालों को कवर कर रही है, तो क्या हम भी अपने बालों को कवर कर सकते हैं? देखते हैं किस तरह से ये प्रोडक्ट काम करता है, वाटरप्रूफ है या नहीं। ये गाइस इस बार मैंने ब्लैक शेड में परचेस किया है। मेरे कई बार हमें पार्टी में जाना होता है और हम हेयर कलर वगैरह नहीं लगा पाते हैं और छोटे छोटे बाल हमारे विजिबल हो रहे होते हैं, उनको कवर करने की जरूरत होती है क्योंकि पार्टी में वो और ज्यादा हाईलाइटेड हो जाते हैं। तो हम किस तरह से उसको कवर कर सकते हैं, तो ये प्रोडक्ट देखते हैं सही काम करता है, नेचुरल इफेक्ट देगा या नहीं। जिससे मैंने वीबा हेयर लाइन प्रोडक्ट के उस नाम से मंगाया था, लेकिन ये आया है फैब सीक्रेट आईब्रो हेयरलाइन पाउडर। तो ये इससे आप अपनी आईब्रो भी फिल कर सकते हैं, हेयरलाइन को भी कवर कर सकते हैं जो वाइट हो गई हैं, और बैल्ड पैचेस जो हो जाते हैं उसको भी कवर कर सकते हैं। इस तरह से स्पॉन्ज की हेल्प से इसको प्रोडक्ट को हम ले सकते हैं और रिसीडिंग हेयरलाइन वगैरह जो होता है उसको भी कवर कर सकते हैं। इसके साथ ये तीन स्टेंसिल्स आते हैं, आईब्रो ब्रश आता है, 360 रुपीज में आता है। हाय गाइस, वेलकम टू इजी एंड स्मार्ट वे। इस बार मैं आपके साथ रिव्यू करने वाली हूँ फैब सीक्रेट का हेयरलाइन पाउडर। तो बस ब्राउन शेड पहले ही है, उसका रिव्यू मैं आपके साथ कर चुकी हूँ और उसका रिजल्ट इतना अमेजिंग है, मतलब वो बिल्कुल लॉन्ग लास्टिंग है और बाल बहुत अच्छे से कवर हो जाते हैं। इसकी सारे डिटेल आपके साथ शेयर करूंगी, ये कैसा प्रोडक्ट है, परचेज करने लायक है या नहीं, लॉन्ग स्टे है, वाटर प्रूफ है या नहीं, स्मच प्रूफ है या नहीं। तो फ्रेंड्स, मैं हमेशा की तरह ही आपके साथ ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करूंगी, नो स्पॉन्सर वीडियो, खुद ही परचेज किया है क्योंकि मुझे वाकई जरूरत थी और मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से काम करता है। आप खरीदने से पहले इसको जरूर देख लीजिए। चलिए सबसे पहले अपने हाथ पर इसको अप्लाई करके दिखाती हूँ किस तरह से ये काम करता है। मैंने इसका पहले ब्राउन शेड खरीदा था, वो बहुत ही अच्छा काम करता था, और ये देखिए ब्लैक भी बहुत ही अच्छे से अप्लाई हो गया है। वाटर स्प्रे करके आपको दिखाऊंगा कि ये निकलता है या नहीं, मान लो स्वेटिंग हो जाती है या फिर पानी वगैरह आ जाता है किसी तरह, तो ऐसा तो नहीं बह जाएगा फेस पर, आ जाएगा, मेकअप खराब हो जाए, सारा लुक खराब हो जाए, तो वो नहीं होना चाहिए। तो सच में यार, बहुत सारा पानी डालने के बाद भी ये बिल्कुल टस से मस नहीं हुआ, और ये देखिए टिश्यू पर भी ट्रांसफर नहीं हो रहा है, हाथों पर ठीक से नहीं दिखाई देता, इसलिए मैं पर आपको करके दिखा रही हूँ। बिल्कुल वाइट, बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं हो रहा, बहुत रगड़ा है, तो थोड़ा सा ये निकल आया, काफी ज्यादा रगड़ने पर निकला है गाइस ये। अब मैं आपको अपने हेयर पर इसको अप्लाई करके दिखाऊंगी, तो अभी मेरे थोड़े थोड़े से आपको दिख रहे होंगे, अभी मैं उसको बाद में भी दिखाऊंगी, बहुत ज्यादा जो वाइट थे देखिए बहुत अच्छे से इसने ब्लैक कर दिया है। ये देखिए जहां जहां मैं इसको कर रही हूँ ये बिल्कुल ब्लैक कर रहा है बालों को, और ये देखिए कितने भी ऑयली आपके बाल हों, कितने भी ड्राई हों, सभी पर अच्छे से वर्क करेगा। आप देखिए बहुत जूम करके अपनी दूसरी हेयरलाइन निकाली है जहाँ पर मेरे अच्छे खासे वाइट हैं बाल, तो ये बहुत ही अच्छे से इसने कवर कर दिया है। अब मेरे जो थोड़ी सी हेयरलाइन थोड़ी सी चौड़ी मुझे लग रही थी, तो उसको भी इसने कवर कर दिया है। तो अगर आपकी कहीं पर भी बेल्ट पैचेस हैं तो ये उसको भी अच्छे से ही कवर कर देगा। टैप टैप आप करेंगे तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आपने कुछ इसमें यहाँ पर अप्लाई भी किया है। हाथों पर भी ट्रांसफ़र नहीं होता है, पानी से भी आराम से ये नहीं निकलता, और अगर गलत कहीं लग गया है तो आप बहुत तेज़ रगड़ेंगे तो निकल भी जाएगा। इसको कोम से कर देखेंगे, टेस्ट करते हैं इसका अच्छे से कि कोम करने से ये निकल तो नहीं जाएगा। बहुत ही पतला वाला कोम लेकर मैं दिखाऊंगी आपको, बहुत कैड़े से मैं कर रही हूँ, तो ये तो गाइज नहीं निकला। वाओ, आप इसको आईब्रो भी फिल कर सकते हैं, आप हल्का हल्का डैप करेंगे तो ये आपकी आईब्रो को फिल कर देगा। स्टेंसिल इसमें दिए हुए हैं तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। आप इसको डायरेक्टली भी हल्का हल्का अपने आईब्रो पर अप्लाई करेंगे तो आपकी आईब्रो भी इससे फिल हो जाएगी। तो दोनों साइड में कर रही हूँ और मैंने अभी इसी से ही अपनी आईब्रो को फिल किया है। ये देखिए बहुत अच्छा लगा मुझे ये, इसको हल्का हल्का आप टैप करेंगे तो ये बिल्कुल अच्छे से आपकी आईब्रो को कवर कर देगा। अभी वाटर टेस्ट करके भी देख लेते हैं कि कहीं ये निकल तो नहीं आता है, स्वेटिंग वगैरह होती है, तो ये देखिए तो नहीं निकल रहा। वाओ यार, ये बिल्कुल भी ट्रांसफ़र नहीं हुआ, आप देख सकते हो। और रगड़ने पर भी देखती हूँ निकलेगा या नहीं, अभी देखिए अच्छे से मैं आपको रगड़ कर दिखा रही हूँ तो ये बिल्कुल नहीं मिला। आईब्रो के लिए तो ये बहुत ही बेस्ट है, बेल्ट पैचेस के लिए और बालों को कवर करने के। प्रोडक्ट मुझे बहुत ही पसंद आया, मतलब बहुत ही यूज़फुल है, वर्थफुल है। अकॉर्डिंग टू प्राइस ये बहुत महंगा मुझे नहीं लगा, और इससे जो इफेक्ट आ रहा है काफ़ी ज़्यादा नेचुरल आ रहा है, ऐसा लग रहा कि कुछ डाई वगैरह आपने लगा रखी है। पाउडरी फॉर्म में है तो ये सिल्की हेयर हैं या फिर ड्राई हेयर्स हैं, दोनों पे ही इक्वली वर्क करेगा। तो गाइज आप इसको डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं, बिल्कुल स्मज प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, बहुत रगड़ने से तो निकल रहा है, ऑब्वियसली निकलेगा ही, कोई स्टे तो ऐसा हो नहीं जाता, लॉन्ग लास्टिंग है। लेकिन गाइज काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा है, लिंक इसका मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आपको, ब्राउन शेड का और ब्लैक शेड का दोनों का ही डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दूंगी, आप इसको परचेज कीजिएगा। तो मैं कहूँगी आपको यही अगर परचेज करना है तो लिंक से ही परचेज कीजिएगा, क्योंकि मुझे औरों की गारंटी नहीं है कि कौन सा प्रोडक्ट कैसा निकलेगा, क्योंकि जिनका मैंने देखा था रिव्यू उनका रिजल्ट अच्छा नहीं था, बट वो दूसरे ब्रांड का था, तो मैंने सोचा चलो इस बार इस ब्रांड का मंगा के देखते हैं जिसका ब्राउन है उसका शायद अच्छा ही निकले। आगे भी आपके साथ जेन्युइन रिव्यू, जेन्युइन रिजल्ट्स आपके साथ शेयर करती रहूंगी। इसी तरह मेरे चैनल पे बनी रहिएगा और देखते रहिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दोबारा बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ किसी और यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, कीप वॉचिंग। बाय बाय।